मैं आज फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूं और दोस्तों पूरी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस टॉपिक को समझेंगे और इसका फायदा उठाएंगे, साथ ही साथ अपने नजदीक के अपने भाई बंधु यार दोस्त पड़ोसियों को भी फायदा उठाएंगे, यानी कि उनको शेयर करेंगे, मेरे वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बड़ा खास है, इसको समझाता हूं। ये हमारे धार्मिक कृत्य यानी कि मंदिर जाने से संबंधित है। आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि जो व्यक्ति धार्मिक हो वही ज्योतिष जानता होगा, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में पुराणों में और ज्योतिष विधा पढ़ने वालों को सभी को इस बात का पूरा पूरा ज्ञान है कि हमारे ज्योतिष में धर्म सम्मिलित है इस तरीके से। तो लेकिन मैं यहां पे थोड़ी सी अलग बात करूंगा, इसलिए ये भूमिका बना रहा हूं। तो दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, इसको समझिए। दोस्तों जब खाना नंबर दो ये इसको समझिएगा खाली हो किसी भी जन्म कुंडली में, अब एक और राज बता देता हूं, ये हमेशा खाना नंबर एक होगा चाहे यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो। मैंने तो एक लिख दिया है, लेकिन यहां चार लिखा हो, बारह लिखा हो, पांच लिखा हो, छह लिखा हो, ये हमेशा खाना नंबर एक होगा, यानी कि इसको खाना नंबर एक यानी कि लगन बोलते हैं, लगन ऐसे समझ लीजिए इसको। इसलिए हमेशा एक मानिए और इसको गिनती करिए, एक दो तीन चार पांच, जैसे ये तीन है, चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये काउंटिंग यही चलेगी, इस बात को समझ लीजिए। जन्म कुंडली का खाना नंबर दो जब खाली हो ये, इस बात को समझिए, दोबारा बोल रहा हूं। और उसी समय विशेष पर यहां पे कोई ग्रह हो और यहां पर कोई ग्रह हो, इस बात को समझिए। ये खाना नंबर छह होगा, काउंट करिए, एक दो तीन चार पांच छह, ये हमेशा खाना नंबर छह होगा, ये छह है तो ये आठ होगा, सात और आठ ऐसे समझ लीजिए, ये हमेशा आठ होगा। और जब यहां पर कोई भी दो दुश्मन ग्रह, अब दुश्मन ग्रह को समझिएगा, जैसे कि बृहस्पति का राहु, बृहस्पति का दुश्मन बुध ऐसे समझिए, सूरज का राहु, सूरज का केतु ऐसे समझिए, या सूरज और शुक्र के बीच भी दुश्मनी है ऐसे समझिए। मैं एक उदाहरण देकर समझा देता हूं दोस्तों। मान लीजिए यहां पे बृहस्पति यानी कि गुरु, और यहां पे मान लीजिए शुक्र हो, ऐसे समझ लीजिए, यहां बृहस्पति है यहां शुक्र है। बृहस्पति तो किसी से दुश्मनी रखता नहीं है, लेकिन शुक्र बृहस्पति से वैमनस्य समझता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब ये खाली हो, इस बात को समझ लीजिए, बाकी ग्रह और घरों में हो लेकिन यहां कोई ग्रह ना बैठा हो, सिर्फ खाना नंबर की राशि दिखी हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर में अंदर जाके मूर्तियों को टच नहीं करना चाहिए, संभव हो तो गर्भगृह के बाहर ही। आजकल तो ज्यादातर मंदिरों में रेलिंग लगी, आप सभी जानते हैं, रेलिंग के बाहर से प्रणाम करना चाहिए, रेलिंग के बाहर से नमस्कार कर लेना चाहिए, मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए, और संभव हो तो गर्भगृह के अंदर ही ना जाए, एक ये कंडीशन है इस तरीके से। अब इसी में मैं एक और कह दूं कि मान लीजिए यहां पर बुध हो जाए, है ना, तो वो भी दुश्मन है ऐसे समझिए। लेकिन एक और बात बताता हूं कि दोस्तों छह और आठ के अलावा खाना नंबर बारह, अब इसको समझिएगा। मान लीजिए यहां पे बुध है और यहां पे हम शुक्र ही रख देते हैं, जो पहले था वैसे ही ऐसा है ना। अब देखिए छह आठ बारह, ये छह है तो ये सात है, आठ है, नौ है, दस है, ग्यारह है, बारह, यानी कि छह आठ बारह में दुश्मन ग्रह हूं। अब देखिए बृहस्पति शुक्र ये भी इनका नहीं है प्रेम, और बुध का तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं है बृहस्पति के साथ, पक्की दुश्मनी। ऐसी कंडीशन में भी मंदिर के अंदर जाके मूर्तियों को टच करना, गर्भगृह के अंदर जाना नुकसान देता है। खूब पूजा पाठ करिए, गर्भगृह से बाहर रह के करिए, पूरी श्रद्धा भावना रखिए, अपने धर्म के प्रति बहुत वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, बहुत कट्टर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंदिर जाना नुकसान का कारक बन जाता है इस तरीके से। इसी में थोड़ा और एक दो ग्रहों के विषय में बता देता हूं आप में से कुछ भाई। देखिए मान लीजिए यहां पर राहु है ना, और जब राहु यहां होगा तो केतु यहां होगा। लाल किताब वर्ष फल में तो अलग अलग हालात में राहु केतु बदलते रहते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आमने सामने होंगे। ये देखिए ये दुश्मन हो गए है ना,
राहु और शुक्र दुश्मन हो गए, राहु दैत्य है, शुक्र एक फूल है, राहु दैत्य है, तो दुश्मनी हो गई। राहु से बुध का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा है, इस बात को समझिए। राहु का ही दूसरा पार्ट है केतु, बात समझिएगा, लेकिन फिर भी मंदिर नहीं जाना, गर्भगृह के अंदर मूर्ति को टच करना। और सुन लीजिए, शुक्र का केतु के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छे संबंध है, लेकिन क्योंकि एक बीच में दुश्मन बैठ गया है, ये दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा, इसे इस प्रकार से समझिए। इसमें मैं एक दो और बातें आप लोगों के आगे जोड़ देता हूं। मान लीजिए यहां राहु है, यहां केतु है, यहां पे बृहस्पति आ जाए, मतलब कोई भी ग्रह यानी कि गुरु, तो गुरु का केतु से तो कोई दुश्मनी वाले है संबंध नहीं है, लेकिन राहु तो बृहस्पति को खराब करता है इस तरीके से। इसी में यहां पे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए सूरज ले लीजिए, है ना, तो भी ऐसे ही हालात बन जाएंगे ऐसे। तो ये दोस्ती और दुश्मनी के संबंध होते हैं सभी ग्रहों में, जैसे कि हम अपने परिवार में है, किसी के साथ अच्छे संबंध है, किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं होते इस तरीके से। लेकिन दोस्तों इसी पॉइंट पे एक और बढ़िया चीज बता दूं आपको, इसको भी समझिएगा। छह खाली है मान लीजिए, और यहां केतु हटा देते हैं, देखिए यहां पे शुक्र है और यहां पे सूरज है। अब पॉइंट समझिएगा, खाना नंबर दो हम खाली रखेंगे इस कंडीशन में भी, जब हमने ये देखा तब भी, और छह और आठ को पहले बात करी तब भी दो खाली चाहिए, छह आठ बारह की बात करी तब भी दो खाली चाहिए, और अब बात कर रहे हैं आठ और बारह की। देखिए सूरज और राहु भी, देखिए सूरज आपका बोला है ना, शुक्र एक खूबसूरत फूल है, तो आग के गोले के पास जाके शुक्र जलेगा, यहां भी मंदिर नहीं जा सकते, मतलब मंदिर के गर्भगृह में। बाहर से खूब प्रणाम करिए, अपनी आस्था को मजबूत रखिए, परमात्मा का खूब ध्यान लगाइए, लेकिन समस्या क्या है, मुक्ति को टचिंग करना गर्भगृह से दूर रहिए, ये दुश्मनी के हक हो गए। इसी में और दो एक बातें कह देता हूं दोस्तों। मान लीजिए यहां पर शुक्र का यहां पे हम रख देते हैं एक उदाहरण के लिए कि बुध है ना, और यहां पे है चंद्र, उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। अब बुध और चंद्र में भी कोई अच्छे हालात नहीं है, इस बात को समझिए, और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से तो चंद्रमा का, चंद्रमा की संतान है बुध, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है। सूरज शनि भी पिता पुत्र है, उनमें भी संबंध अच्छे नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे परिवार में भी सबसे हमारे संबंध अच्छे नहीं होते, उससे अच्छे, उससे नॉर्मल, उससे बुरे, उससे ज्यादा बुरे भी हो जाते हैं ऐसे, तो ये भी वही कंडीशन निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों इसी हालात में अच्छाई की बुराई की बहुत बात हो गई, अब अच्छी बात करते हैं। मान लीजिए यहां पे बृहस्पति है, यहां पे चंद्रमा है, और यहां पे मान लीजिए मंगल है। अब देखिए दोस्तों घर वही है, छह आठ बारह, बृहस्पति चंद्र और मंगल, ये दोस्तों मित्रता के संबंध है, ये मित्र का टोला है, मित्रों का टोला है ना। पहले हमने दुश्मन टोले से बात करी है, अब मित्र ग्रह हैं, जितना मंदिर जाएंगे उतने फायदे होंगे ऐसे। मूर्तियों को खूब टच करिए, है ना, ज्यादा मूर्तियों को तो मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था या इंतजाम की वजह से रेलिंग लगा दी जाती है, लेकिन भगवान शिव का मंदिर तो हम सभी के लिए 24 घंटे खुला होता है, खूब जल चढ़ाइए, खूब दूध चढ़ाइए ऐसे। तो ये जब मित्र ग्रह आ गए तो मंदिर ज्यादा से ज्यादा जाइए, बड़े लाभ मिलेंगे। इसी में दोस्तों और मित्र ग्रहों की बात कर लेते हैं, और मित्र ग्रहों की बात कर लेते हैं। यहां पे मान लीजिए सूरज है, देखिए अब सूरज चंद्र बृहस्पति ये भी मित्र हैं, अब इसी में बदल लेते हैं, पहले मंगल हमने ऊपर रखे थे, मान लीजिए मंगल यहां पे आ जाए, इस बात को समझ लीजिए, तो इसमें हालात सुधर गए। अब इसी में दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब ये 6, 8, 12 के बाद हम 6 और 8 की बात कर रहे हैं, छठे में और आठवें में भी मित्र हो गए, अब यहां पे चाहे चंद्र हो चाहे गुरु हो जाए तो भी मंगल गुरु मित्र है, खूब जाइए परमात्मा को मंदिर में मूर्तियों को टच करके पूजा करिए। यहां पे बृहस्पति सूरज हो जाए, मंगल और सूरज मित्रता के संबंध हो गए ऐसे। और इसी कंडीशन में दोस्तों किसी भी जन्म कुंडली में
यहां और यहां मित्र हो जाएं। जैसे कि उदाहरण दे देता हूं, ये बृहस्पति है, ये चंद्र है, मित्र हो गए, खूब जाइए मंदिर में, खूब परमात्मा के बिल्कुल पास लिपट के बैठिए, गले लगिए मूर्तियों के, फायदा मिलेगा। या यहां पे मंगल हो जाए मान लो, या मंगल चंद्र यहां है, बृहस्पति यहां है, कोई दिक्कत नहीं है, या सूरज भी यहां आ जाए, ये मित्र ग्रहों का टोला है, फायदा ही फायदा मिलेगा। इसी में दोस्तों एक और बात बता देता हूं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, ये मानिए सूरज और बुध है ना, ये लॉजिक समझने वाली बात है। ऐसा अमूमन जन्म कुंडली में नहीं होता, वर्ष फल अनुसार होता है, और यहां पे मान लीजिए शुक्र है, तो अब यहां पे देखिएगा बुध और शुक्र में कोई झगड़ा नहीं है, पूरा प्रेम है, बल्कि बुध की तो चाहत ही शुक्र है, एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब में बुध की नाली, तो बुध तो हमेशा शुक्र की तलाश में रहता है, लेकिन दोस्तों सूरज शुक्र का दुश्मन हो गया है, इस बात को समझिए। तो इस कंडीशन में मंदिर जाना नुकसान दे जाएगा, यह भी ध्यान रखना है कि मित्र मित्र तो ठीक है लेकिन उनके बीच में एक शत्रु हो जाए, मैं इसलिए दोबारा यह पॉइंट रखा है। तो नहीं मंदिर के गर्भगृह में जाना, मूर्तियों को टच नहीं करना, गर्भगृह के बाहर से परमात्मा को प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, पाठ करिए, पूजा करिए, बाहर के बाहर पंडित जी को प्रसाद दे दीजिए, वो भोग लगा देंगे, आप पाठ दीजिए, इस प्रकार से मंदिर के अंदर नहीं जाइए, नुकसान के कारण बनेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत खास है और धर्म से जुड़ा था, इसलिए मैंने ये बोला, मैं भी दोस्तों धार्मिक व्यक्ति हूं और कोई भी ज्योतिषी बिना धर्म की साधना करे बन ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सावधानी बस हमारे जीवन में जब अच्छे माहौल बनते हैं हम क्यों ना करें, यही मैं बताना चाहता हूं। जल्दी ही अगले टॉपिक को लेकर जल्दी ही मुलाकात करेंगे, तब तक मैं आपसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो अपने नजदीक के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को दीजिए, है ना। नमस्कार, प्रणाम।